आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। बड़ी जल्द ही दबंग के साथ एक्शन करते दिखेंगे इमरान। इसी महीने टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करेंगे सलमान। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का इन दिनों प्री प्रोडक्शन का काम जारी है। वहीं इसके अलावा फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स को भी अभी फिल्माना बाकी रह गया है। ऐसे में अब खबरें हैं कि जल्द ही सलमान खान और इमरान हाशमी टाइगर 3 के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं, जिसको कुछ इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर्स द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो सलमान और इमरान इसी महीने SRPF ग्राउंड में एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। इन एक्शन सीक्वेंसों को इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार शूट किया जाएगा। वहीं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी फरवरी में टाइगर 3 की अपने हिस्से की शूटिंग को पूरा करने वाले हैं, जैसा कि पहले से ही निर्धारित था। हाल ही में इमरान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मिरर सेल्फी शेयर की थी, जिसमें वो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए काफी बल्कि दिखाई दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान की एक तस्वीर साझा की थी। रिपोर्ट के आधार पर इमरान इस फिल्म में टाइगर ऑफ पाकिस्तान के किरदार में नजर आ सकते हैं। इस एक्शन फिल्म में इमरान और सलमान के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। फिल्म में सलमान खान एक रॉ एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। वहीं बीते साल सलमान खान और कैटरीना कैफ ने अपने इंटरनेशनल शेड्यूल की शूटिंग के दौरान तुर्की, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी शानदार लोकेशंस पर टाइगर 3 के सीन्स को फिल्माया था। वहीं बात अगर टाइगर सीरीज की करें तो इसकी पहली फिल्म एक था टाइगर और दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है थी। अब इस सीरीज की तीसरी फिल्म का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है, जिसे मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि टाइगर सीरीज की पहली फिल्म को कबीर खान और दूसरी फिल्म को अली अब्बास जाफरी ने डायरेक्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर शिवानी दांडेकर और एक्टर फरहान अख्तर काफी समय से एक दूसरे का डेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ये कपल एक दूसरे संग अपनी तस्वीरें पोस्ट कर प्यार का इजहार करता रहता है। बीते साल दोनों की शादी की खबरें भी वायरल हुई थीं, लेकिन इस कपल ने केवल उन खबरों को रूमर्स बताया था। वहीं अब एक बार फिर से दोनों की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कलाकार शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एक दूसरे का साथ पसंद है। एक रिपोर्ट की माने तो फरहान अख्तर अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर के साथ मार्च 2022 में शादी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर मार्च 2022 में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दोनों मुंबई में ही शादी के बंधन में बंधेंगे। कोविड की वजह से इनकी शादी में चुनिंदा लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर ने शादी के लिए एक 5-स्टार होटल भी बुक कर लिया है। बॉलीवुड का ये स्टार कपल शादी के मौके पर सब्यसाची का स्पेशल कलेक्शन पहन सकता है। आपको बता दें कि फरहान अख्तर ने अपनी एक्स वाइफ अधूना अख्तर से शादी के 15 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था। फरहान और अधूना साल 2000 में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की मुलाकात पहली बार फिल्म दिल चाहता है के सेट पर हुई थी, जिसके डायरेक्टर फरहान ही थे और अधूना हेयर स्टाइलिस्ट। बतौर हेयर स्टाइलिस्ट इस फिल्म के माध्यम से ही अधूना ने बॉलीवुड में कदम रखा था। शादी के बाद ये कपल दो बेटियों के माता पिता भी बने, जिनका नाम शाक्य और अकीरा है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या शादी के बंधन में बंध गई है तनिषा? क्या काजोल की बहन बन चुकी हैं किसी की दुल्हनिया? बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर भी करती रहती हैं। तनिषा हाल ही में वेकेशन मनाने के लिए बाहर गई थी, जहां की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस के होश उड़ गए हैं, क्योंकि फैंस को लग रहा है कि तनिषा ने शादी कर ली है। दरअसल तनिषा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी स्माइल करते हुए तस्वीर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों में तनिषा ने अपने पैरों की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
इस फोटो में तनिषा ने अपने पैरों में सिल्वर कलर की बिछिया पहनी है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। तनिषा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, मेरे पैरों में रेत है और मेरी आत्मा में समुद्र है। हर पल का आभार व्यक्त करती हूँ जो मैं जी रही हूँ। अपने नए साल की शुरुआत मैंने कुरेशिया टॉप पहन कर की है, जो मैंने खुद बनाया है। लॉकडाउन में मैंने नए स्किल्स सीखे हैं। तनिषा की पैरों में बिछिया वाली फोटोज देखने के बाद फैंस ने उनके पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, क्या आपने शादी कर ली है? तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, क्या आपने शादी कर ली है? आपने बिछिया क्यों पहनी हुई है? आपको बता दें कि तनिषा मुखर्जी अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों का हिस्सा रह चुकी हैं। मिस मुखर्जी रियलिटी शो बिग बॉस 7 का हिस्सा बनी थी, जहां अरमान कोहली के साथ उनकी नजदीकियों ने खूब चर्चा बटोरी थी। दोनों शो में एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, मगर बाद में दोनों के इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड के बाबा अर्जुन कपूर ने ट्रोलर्स को दिया कड़क जवाब। गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा से 12 साल छोटा होने पर अक्सर अर्जुन कपूर किए जाते हैं ट्रोल। ट्रोलर्स की ट्रोलिंग का अर्जुन की सेहत पर नहीं पड़ता कोई भी फर्क। अर्जुन ने कहा, जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं कल वही मेरे साथ सेल्फी के लिए मर रहे होंगे। जी हाँ, बॉलीवुड के रियल लाइफ इशकजादे अर्जुन कपूर ने एक बार फिर अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस बार तो सीधा ट्रोलर्स की जबरदस्त क्लास लगा दी है। जैसा कि सब जानते हैं कि 36 साल के अर्जुन कपूर 48 साल की मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे हैं। अर्जुन और मलाइका की उम्र में 12 साल का फासला है। उम्र का यही फासला अक्सर सोशल मीडिया पर अर्जुन और मलाइका की ट्रोलिंग की वजह बन जाता है। लोग इनके एज गैप पर निशाना साधकर इन्हें ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं अब एक ताजा इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने ट्रोलिंग को लेकर साफ कहा है कि ये ट्रोलिंग पूरी तरह से फेक होती है। वह 90% कमेंट्स तो पढ़ते भी नहीं है। दरअसल हाल ही में अर्जुन कपूर से एक इंटरव्यू में मलाइका और उनके एज गैप को लेकर होने वाली ट्रोलिंग के बारे में पूछा गया था, जिसके जवाब में अर्जुन कपूर ने कहा, सबसे पहले मुझे लगता है कि मीडिया वह है जो लोगों के इन कमेंट्स को देखता है। हम इसका 90% हिस्सा भी नहीं देखते हैं, इसलिए ट्रोलिंग को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सब नकली है। कल को यही लोग मुझसे मिलने पर मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मर रहे होंगे, इसलिए आप उस स्टोरी पर विश्वास नहीं कर सकते। साथ ही अर्जुन ने भी बताया कि वो जियो और जीने दो वाले फंडे पर अमल करते हैं। अर्जुन ने कहा कि रिश्ते में उम्र देखना बेमानी है। बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन ने कहा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो करता हूँ वो मेरा स्पेशल राइट है। जब तक मेरे काम की पहचान हो रही है, बाकी सब तो बस शोर शराबा है। आप इस बात से परेशान नहीं हो सकते कि किसकी उम्र कितनी है, इसीलिए हमें बस जीना चाहिए, जीने देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि उम्र को देखना और रिश्ते को रिलेवेंट बनाना बेवकूफी है। अर्जुन की इन बातों से साफ जाहिर हो चुका है कि मलाइका के लिए उनका इश्क कितना गहरा है। सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग का कोई भी असर इनके रिश्ते पर नहीं पड़ता है। वहीं मलाइका भी अपने कई पुराने इंटरव्यूज में साफ कर चुकी हैं कि वो किसी भी तरह की ट्रोलिंग को खास महत्व नहीं देती हैं।